किया करता था, ईटा भट्टा में लगातार मैंने 15 साल काम किया, सपने कुछ नहीं थे, सब खत्म। जब मैं बिजनेस का प्लान देखने का मौका मिला और प्लान को देखते ऐसा मुझे लगा कि यहां से वो सपने फिर से पूरा हो सकते हैं जो मैं पहले कभी देखा करता था, और मैंने विश्वास किया और आज आपके सामने है। आप यहां पे देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सब देख रहे हैं। आपका जीवन को बदलने का मूल मंत्र मिल रहा है, आपको बहुत सारे मूल मंत्र दिया जा रहा है, पर आप ये क्या रहे हैं ये आप पे निर्भर करती है। संसद में दिए, हमारे अरुण दफ्तर में दिए, आजाद सर ने दिए, और जब सर लोगों ने बात में सुन रहा था तो मुझे अपने वो पुरानी दिन याद आ रही थी, जब मैंने बिजनेस का निर्णय लिया था आज से 7 साल पहले, तो अटूट विश्वास के साथ कि जीवन मेरा यहां बदलेगी, हो सकता है नहीं बदलेगी। और जिस दिन मैंने बिजनेस का फॉर्म में साइन किया फॉर्म में, उस दिन मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि मैं एक ही काम करूंगा, सिर्फ और सिर्फ शेप को। उस दिन से मैंने कभी खेत में काम करने नहीं दिया। आज से 7 साल हो गया मेरा, 7 साल में गांव में कितनी शादियां हुई नहीं पता मुझे, कितने बच्चे पैदा हुए ये भी मुझे नहीं पता, कितने लोग मर गए वो भी नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि भट्टा मिल ढोते ढोते सेव सो आज में डबल डायमंड बन गया। जो मैंने इस बिजनेस से मैंने जो कमाई है, पैसा, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान, अगर ये बिजनेस नहीं होता आज मैं यहां नहीं इस हॉल के बाहर मेरा जगह था, एक मजदूर का बारी बताए नहीं। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे जो मान सम्मान रिस्पेक्ट, जो मुझे इज्जत, जो मुझे पैसे, जो मुझे इस और आपकी जिंदगी दी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विश्वास ने दी है। जब मुझे प्लान को दिखाया जा रहा था उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पूरा होगा ही होगा, गाड़ी भी आएगा, घर भी बनेगा, महीने के लाखों भी आएगा, देश विदेश भी घूमेंगे, हवाई जहाज सफर भी करेंगे और करोड़पति भी बनेंगे। आज आप जहां भी हैं ये आपके विश्वास से है, और आगे आप क्या बनेंगे ये भी आपके विश्वास पे निर्भर करता है। अगर आपको लगता है आप कामयाब हो जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आज आप क्या हैं और 4 साल बाद क्या बनने वाले हैं ये सिर्फ आपके विश्वास में निर्भर करता है। कितने लोग को लगता है आप डायमंड बनेंगे कहां खरीदेंगे, एक बार तालियां अपने जोरदार ताली दो। यही विश्वास मैंने आज से 7 साल पहले किया था, यही विश्वास, कोई बने चाहे ना बने डायमंड मुझे बनना है। अगर ये विश्वास आज आपको हो गया होगा या हो जाएगा तो कोई बने चाहे ना बने, पर आप जरूर बनेंगे, आप जरूर बनेंगे। पर मैंने सिर्फ विश्वास नहीं किया, उसको पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने हर वो कर्म किया जो मुझे करने को सकता था। 7.5 साल के अंदर बात करूं पूछे मुझसे तो एक वैसा दिन नहीं होगा जो मैंने बिजनेस नहीं किया, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। मैंने हर दिन मेरे दिल में, दिमाग में, खून में, हमारे नस नस में सिर्फ और सिर्फ समाया है शेप शॉप, शेप शॉप और शेप शॉप। मेरा जीना शेप शॉप, मरना शेप शॉप। जिस दिन आपके अंदर ऐसा चलने लगेगा
उस दिन सफलता आपके कदम छूएगी। क्या कुर्बानियां दे सकते हैं? यस सर। कई लोगों में देखता हूं, कई लोगों में देखता हूं, एक प्लान किया, दो प्लान किया, थक गया, मतलब सर बहुत प्लान हो गया। मैंने एक दिन में 7-7 प्लान किया है, अप्लाई करके बैठे हुए हैं, सही ना बोलिए? एक दिन में मैंने 7-7 प्लान किया, 7-7 प्लान। अभी मैंने थका भी और प्लान है, मतलब प्लान डाउन कर हो गया सर। और मैं कई लोगों को देखता हूं, सिर्फ उनमें सफल होना चाहता है, आम इंसान से खास बनना चाहता है, पर एक प्लान दिन का करता है, कोई दो प्लान करते हैं, कोई 20 लोगों को कॉलिंग नहीं करता है, कोई 15 लोगों को कॉलिंग नहीं करता है, उसको मीटिंग में पकड़ के लाना पड़ता है। आज तक ऐसा कोई मीटिंग नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होगा जब मैंने समय से लेट पहुंचा था। हर एक मीटिंग ट्रेनिंग मैंने समय से पहले पहुंचा है। सुबह उठ के मैंने कम से कम 30-35-40-50 लोगों को कॉलिंग करने का आदत डाल दिया है। कुछ लोगों को फोन लगाने से फोन उसका बंद रहता है, और क्या बोलते सर मुझे डायमंड बनना है, ब्रॉन्ज नहीं बन पाएगा, वो ब्रॉन्ज नहीं बन पाएगा, डायमंड बनना है, बनना है, आदत करनी पड़ेगी। कुछ गंदी आदत आपको छोड़नी पड़ेगी और कुछ अच्छी आदत आपको डालनी पड़ेगी जो आपको डायमंड तक लेके चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए कि नहीं? जो आज आप महीने का 15,000 कमाते होंगे, 20,000 कमाते होंगे, 25,000 कमाते होंगे, 30,000 कमाते होंगे, आप चाहते हैं महीने के 4,00,000 कमा सा लगावे? यस सर। चाहते हैं? यस सर। आप जहां भी आज काम करते होंगे, लगता है 2025 तक, 30 तक, 50 तक हो जाएगा पास का महीना? नो सर। खेत में? नो सर। दुकान में? नो सर। नौकरी में? नौकरी में? इंजीनियरिंग में? नो सर। वकील में? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस में मेरा कहा मान के सिर्फ और सिर्फ आप 4 साल दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 4 साल। अगर आप महीने के 4,00,000 के बाद मेरा नाम बदल दीजिए, पूरे सिस्टम से अपना दिमाग बिल्कुल में लगा दें। आज तक मैंने वही किया जो मेरे पैर ने मुझे बोलता दिया, अपना दिमाग नहीं लगा, कभी नहीं। जब मैंने कभी सुना करता था कि एक व्यक्ति श्याम सुंदर नाम के हैं जो बिजनेस में नहीं है, पैसे हैं जाते हैं, तो लगता था काश कब ऐसा मेरे जीवन में हो जाए तो कुछ मैं ऐसा करूंगा जिससे मेरे परिवार को जाना भी पड़ेगा। आज से करीब 4.5 साल पहले मैंने प्लान दिखाने गया था, देखे जानते हो, जानते हैं? जब मैंने ये प्लान दिखाने गया था, दो भाई हैं, एक राजू हुआ, दूसरा कृष्णा हुआ। आधा प्लान देखा दोनों भाई बाहर आ गए और कहता है हमें में ठकिया होने नहीं करता है, इनका बाप को जो इंद्रा से जाने जा रहा है। काम करना चाहता नहीं था, मैंने काम करवाया। अगला साल दिसंबर 14 को मर गया, आज 10 महीना हो गया, कोई सप्ताह इनकम जीरो नहीं है। अगर ये खेत में होता किसान तो, नौकरी में होता तो, डॉक्टर होता तो, इंजीनियर होता तो, कोई राजनेता होता तो पैसा आता नहीं ना। ये बिजनेस मनीष ठाकुर प्लान दिखाया मैंने गया, मनीष ठाकुर टीम का लीडर टॉप लीडर है, आपका सपा लीडर है, 6 बार फॉलो किया मना कर दिया, 6 बार फॉलो किया मना कर दिया, समय नहीं है कहता है, इसको तो प्रिंसिपल हो जाता था। बिजनेस का प्लान था, मैंने ज्वाइन किया, सपा फॉलो किया। जनवरी 3 तारीख को हार्ट ऑपरेशन हुआ है, पेट में है, कभी भी जान जा सकती है, पर इनकम लगातार चालू है, लगातार। आप कहीं और तरह काम करेंगे, कुछ हो गए आने वाला है, चाहे कुछ भी होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कुछ भी होंगे नहीं ना। अगर बिजनेस मन तन लगन से 3 से 4 साल कर दिए, आप धरती में रहे चाहे ना रहे, आपके घर परिवार में इस बिजनेस से निरंतर पैसा जाता रहे, निरंतर। ये आज बहुत सारे लोग हैं
अभी तो अपने टारगेट देखा था, अभी दिखाया गया था जसन मेर का गोवा का, देखिए नहीं यस सर, इतना अच्छा इतना आसान टारगेट मैंने 7.5 साल पहली बार देखा, पहली बार। अगर आप मन से करने वाले हैं, मन से ये टारगेट एक सप्ताह में क्वालिफाई हो सकता है, एक सप्ताह में 20 सेल तो चाहिए। कई बार ऐसा मोमेंट आया था जब मैंने एक दिन में 22 सेल क्लोज किए, कितने जरूरत है लेफ्ट हैंड मिला के 20 तो जरूरत है, ज्यादा है, लेकिन कब, जब करने में आ जाएंगे, जब आपका दिल और दिमाग बोलेगा जीतना है तो जीतना है, ठीक है, चाहिए चाहिए। कितने लोग चाहते हैं मेरा टारगेट जीतना है, जैसा अंदर जाएगा हाथ खड़े करके कहते हैं पक्का, एक बात बोलने वाला बोल लेगा तुमने फिर बोल लेगा, जिनका बात एक उनका बात एक। अगर आपने वादा किया तो निभाना पड़ेगा। आप कितने हाथ खड़ा होते हैं एक बार फिर से, क्या बात है, एक बार जोर से तालियां। यही अटूट विश्वास आपको सफलता दिला रहा है, अटूट विश्वास। मेरे अंदर कुछ नहीं था, मैं तो कहना पड़े तो हाथ मैट्री गा लिए, सर लोगों का हाथ मेरे ऊपर सर में पड़ा, मैंने वही कह सर ने बताता दिया मैंने यहां पहुंच गया, पर विश्वास मेरे अंदर था कि मुझे करना है तो करना है, बनना है तो बनना है। कितने लोग ने मुझे मना किया, मैंने नहीं माना, मैंने अपना काम करता गया करता गया, कितना मेहनत किया पता नहीं चला, कितना पसीना बहा पता नहीं चला, और जो बोलने वाले कहीं और आ गए हम कहीं और पहुंच गए। तो यही विश्वास के साथ आपको मेहनत करनी है, और मैं चाहूंगा ये टारगेट का जो लास्ट समय है आपका जैसलमेर का, वो है आपका 14 दिसंबर, कोई ना करेगा लास्ट दिन इंतजार करता, वो है जो कमजोर दिन का होता है, क्या बात है, लास्ट जब इंतजार करता है कमजोर दिन का होता है, जिसके अंदर जितने का जिगरा है उसके लिए 4 सप्ताह काफी है कि नहीं है, है कि नहीं है, है नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाहिए लेफ्ट में 10 राइट में 10, इससे अच्छा डायरेक्ट हमें मिलेगा। मैंने ट्रांसफर में टारगेट देखा है, एक तरफ 36 से दूसरी तरफ 36, उस आधा पूरा रहा है नहीं? और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने सजनेस से एक नहीं 7 मोबाइल जीता है टारगेट में, 7 मोबाइल, 3 लैपटॉप जीता है, 3 लैपटॉप जीता है, और यूरोप का टूर भी जीता है, और यूरोप घूम के भी आए हैं। यहां बैठे आप लोग कर सकते हैं, सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो यहां बैठे हर एक व्यक्ति कर सकता है, और आप करना जीतने का जीरा होना चाहिए, जीतने का क्या होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, जिसके अंदर जीतने का जीरा और पावर बना जाए उसके लिए जैसलमेर तो क्या यूरोप का टारगेट भी आसान बनने लगेगा, आसान बनने लगेगा। जिनकी सोच बड़ी है उनको प्रॉब्लम छोटी लगती है, जिनकी सोच बड़ी है उनको प्रॉब्लम छोटी लगती है, पर जिनकी सोच छोटी है उनको प्रॉब्लम बड़ी लगती है। तो सोच बनाई बड़ा प्रॉब्लम छोटा लगेगा, और रोक भी नहीं पाया, और जब मुझे रोक नहीं पाया आपको क्या रोक पाया, रोक पाया नहीं ना, तो जीतने की जवाब पूरा है, जीतने की जीत है नहीं, पर वही मेहनत करना पड़ेगा जो मेहनत आज मैं जहां लगता हूं सब बता रहा हूं। कभी सर फोन करके बोलते हैं राजेश सिंह को फोन किया, बोले सर सुबह से प्लान नहीं है, शाम को नहीं कर लेंगे, जब तक मैं 5-6-7 प्लान ना कर दूं मुझे संतुष्टि नहीं होता है, असल में प्लान ही नहीं किया था। अरे जिंदगी बदलने की सवाल है, एक प्लान में थक जाएंगे, थकेंगे, अभी आपने देखा यहां पे
दौड़ रहे थे, एक लंच के लिए, दूसरा लाइफ के लिए। जो लाइफ के लिए दौड़ेगा थकेगा, जो लाइफ के लिए दौड़ेगा थकेगा क्या? नहीं ना। तो ध्यान रहे आपकी सोच ही आपको सफलता या असफलता दे सकती है। अगर आप सोचते हैं, आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, बन सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, बन सकते हैं। और यदि आप ही मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद आपका यह आया हुआ नहीं काम करेगा। लेकिन याद रहे, अगर यहां मेहनत कर देते हैं, अगर यहां पे मेहनत कर देते हैं, तो कितने साल काम करना पड़ेगा? और यदि यहां से हट गए तो 40 साल। अच्छा, आसान कौन है? 4 साल आसान है, 40 साल आसान है? 4 साल आसान है भाई। मेहनत तो हमें वहां भी करना पड़ेगी, यहां भी करना पड़ेगा। अगर यहां मेहनत कर दिए तो 4 साल करना पड़ेगा और बाकी समय अपने अनुसार। लेकिन वहां तो जो आज मेहनत होगा वो 40 साल बाद ही मेहनत होगा। आप किस्मत वाले हैं कि आपको सेल्स का बिजनेस मिला है। ये बिजनेस का किसमें छोड़ना नहीं है। अगर ये छूट गया तो 40 साल में चले जाएंगे, मरते तक का मेहनत करना। ठीक है? और जिंदगी क्या होगी? आपने देखा कंकड़ या कंकाल देखा है? तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं चाहूंगा जो बातें आपने सुना सीखा और जो बातें मैंने आपको बोला, उन बातों को आपको अमल करनी है और फॉलो करनी है। अगर आप यहां आए हैं तो आपका जीवन तो बदलना है। यहां पे जीवन बदलने का मार्ग सीखने तो आए थे, सीख रहे थे। अगर आपने यहां आया, इसका का हिस्सा बना, इतना तो निश्चित है कि जो आप आए थे वो तो हम उधर नहीं जाएंगे, कुछ और बन के जाएंगे। सही गलत? यानी जो आप सोच के आए थे या जो आप थे दूसरे से पहले इस हॉल में, आप निकलने से पहले या निकलने के बाद आप वो नहीं रहेंगे, आप कुछ और बन के जाएंगे। इतना मैं कहूं कि आपका सफलता निश्चित है कि आप आज सोच बदल गए, बदल गए और सोच बदल गया, जीवन बदलना भी निश्चित है। तो टाइम मैं ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चाहूंगा गुरु गुरुदेव सर ने जो बोला उन बातों को अमल कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।